आपने बीजेपी के लिए आपने पूरी की पूरी जो तैयारियां कर ली, हल्के लेके के लिए तैयार हैं, कोई अपने कोई विजन भी लेके चल रहे हैं कि हल्के में ये चीज़ की कमी लग रही है मुझे, ये चीज़ मैं जो है अगर मैं मेरे हाथ में अगर बागडोर आती है तो ये चीज़ मैं आके लेके चलूंगा। उसी तरह आपकी बेटी अपने देश को आगे रखेगी हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, और उसी तरह राजनीति के क्षेत्र में भी। तो आप सब लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय हिंद। आपके अच्छे इरादे हैं तो ईश्वर ऐसी चीजें करता है कि सब लोग, अगर आपके इरादे नेक है तो सब लोग साथ प्रे करते हैं। जब मैं इंडिया के लिए खेलती हूँ वो सब पूरा, जब मैं वर्ल्ड, हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी उसमें हर तरह के लोग थे जो मेरे लिए मेरे को मोटिवेट कर रहे थे, मेरे को चीयर अप कर रहे थे। तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं उनके साथ खड़ी रहूं और उनके बारे में सोचूं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही, बरवाड़ा विधानसभा का गाँव है सरसोद। और अगर आप ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी बॉक्सिंग प्लेयर स्वीटी बूरा जो है वो अपने नाना के घर यानी कि ननिहाल जो है वो आई हुई हैं। दरअसल क्या है कि खेल के क्षेत्र में झंडे गाड़ने के बाद अब स्वीटी बूरा एक और नई पारी की शुरुआत करने जा रही है, राजनीति की पारी की। और इसकी जो शुरुआत है वो अपने नाना के घर यानी कि अपने मामा के नाना के आशीर्वाद के साथ जो है स्वीटी बूरा इस नई पारी का एक जो आगाज़ है वो करने जा रही है। क्या जैसा खेल के क्षेत्र में जैसे झंडे उन्होंने गाड़े हैं क्या वही राजनीति के क्षेत्र में गाड़ पाएंगी? लेकिन आपको बता दूं कि गेट का जो माहौल है, अगर आप एंट्री गेट का अगर आप माहौल देखेंगे तो ढोल नगाड़ों के साथ में और जो एक दो देसी परिधान जो है उनके अंदर सजे हुए लोक कलाकारों के द्वारा जो प्रदर्शन जो किया गया है, स्वागत जो किया गया, उसके बाद पगड़ी पहनाकर जो है वो यहाँ पर स्वागत किया गया, फूल मालाओं के साथ यह स्वागत किया गया स्वीटी बूरा का। और अभी जो है अगर आप यहाँ का अगर आप माहौल देखेंगे जो पूरे का पूरा जो क्षेत्र है वो सभी यहाँ उमड़ घुमड़ के जो है स्वीटी बूरा के सम्मान में यहाँ इकट्ठा हुआ है। चलिए स्वीटी से बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसा उनका जो अगला जो कदम है, अगली जो पारी है उसके लिए उनकी कैसी तैयारी है। इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार का क्या ये आयोजन जो है यहाँ किया गया है। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आज जो ये आयोजन किया गया है सरसोद गाँव में, सीधा सीधा कह दें कि स्वीटी बूरा जो है वो राजनीतिक समर्थन लेने के लिए यहाँ आई हुई है, अपने ननिहाल पहुँची है, क्या लग रहा है कैसा एक जो इन्होंने जो कदम उठाया है खेल के क्षेत्र से राजनीति में जाने का, कैसा ठीक ठाक रहेगा? देखो ये स्वीटी बूरा का जो फैसला है ना ये बहुत अच्छा फैसला है जी। अगर कौन सी पार्टी से बीजेपी आ जाए या कांग्रेस से आ जाए या निर्दलीय भी आ जाए ना तो भी इसको हरियाणा में तो कोई हरा नहीं सकता। पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं पूरे नब्बे कहीं से चुनाव लड़ ले वहीं से जीत सकती है। अच्छा। इसी खुद की पहचान है, पूरे भारत के लिए काम किया इसने, ये कोई बहुत बड़ी बात है। कहेंगे पढ़ी लिखी है, युवा है और राजनीति में भी जो है वो इस तरह के जो लोगों की जरूरत है, मानते हैं आप ये बात? हाँ, उन पर सब पे फिट बैठती है। और इनका एक जो स्लोगन देखा कि जो नशा खेल ओन और नशा गोन, बिल्कुल, यानी कि जो नशों का जो आज पूरा जो बुरा हाल हुआ पड़ा है उसके खिलाफ इन्होंने पहले से अपना एक जो नारा है वो दे दिया कि नशे जो है वो हम यहाँ से खत्म करेंगे, ऐसे लोगों की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है जी, शुरू से इस माइंड की लड़की है ये, नशे से खिलाफ है ये और युवाओं के लिए जो इसे काम कर रही है शुरू से ही बहुत अच्छे काम किए हैं। यानी कि इनको जो आगे बढ़ना चाहिए लोग जो है अपने आप समर्थन जो पीछे इनका आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ है, पूरा बरवाड़ा हल्का इसके साथ है। चलिए एक और यहाँ भाई, भाई साहब क्या नाम है आपका? मंदी बूरा जी। मंदी भाई, स्वीटी ने जो है ना कि जो कदम जो उठाया है राजनीति में आने का जो उठाया है, लोगों की काफी भीड़ है, लोगों पूरे उत्साह से जो है इन्होंने अभिवादन किया है इस बात का, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। स्वीटी जी वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ पे अपना 100% एफर्ट देते हैं, अभी उन्होंने राजनीति में कदम रखा है और उन्हें वो सिर्फ 4 दिन से ही एक्टिव है। चार दिन की भीड़ है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं, आप कैमरा पीछे करके दिखा सकते हो, घुमा सकते हो कि हजारों की संख्या में लोग जुड़े, और ये किसी पार्टी विशेष से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ अकेले स्वीटी का प्रोग्राम है। उन्होंने अपने जो उसके चाहने वाले हैं उनकी खापे हैं और जो इसमें 36 बिरादरी के लोग हैं सभी ने स्वीटी को अपना समर्थन दिया है और वो बढ़ चढ़ कर स्वीटी का साथ दे रहे हैं और स्वीटी के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों की राजनीति में जरूरत है, मानते हैं अपना? बिल्कुल 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 जरूरत है। जिस तरह उन्होंने खेल के क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन किया है उसी तरह वो राजनीति में भी अपने देश का, प्रदेश का
पूरा नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद सर जी। यहाँ जो इस जो आज का जो कार्यक्रम है, यहाँ पर पढ़े लिखे और युवा जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। एक और शख्स हमें मिल गए भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप नाम है मेरा जी, मैं चीफ इंजीनियर हूँ और आउट ऑफ इंडिया काम करता हूँ। आउट ऑफ इंडिया? जी, पहली बार अपनी बहन के लिए यहाँ पर आया हूँ। काफ़ी पुराना रिश्ता है हमारा और मैंने इसको बचपन से खेलते देखा है, आगे बढ़ते देखा है। संघर्ष क्या क्या, क्या कारण था कि आप इंडिया में आए? आप बाहर से अपना जो काम छोड़ के यहाँ इंडिया, क्या कारण, किस वजह से आए? जब आप पाते हो कि एक जमीन से उठी हुई लड़की कुछ करना चाहती है, कुछ बदलाव लाना चाहती है और ये समझती है कि जैसा मुकाम मैंने हासिल किया क्यों ना वैसा मुकाम अपने हल्के में 100 लोगों को वहाँ तक लेके जाऊँ, तो वैसे लोगों के लिए हमें समर्थन करना भी चाहिए। आपको लग रहा है जो राजनीति में आने का इनका जो कदम है, इन्होंने कहा कि मैं यहाँ से पहले, मेरे को 5 साल हो गए, मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, अपने लेवल पे कर रही हूँ, सोच कहीं ना कहीं बिल्कुल ओपन है, भी सोच लिया अभी क्या आगे विजन क्या लेके चल रहे हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये मदद जो कर रही है, शायद आपको पता होगा पिछले 4 सालों से अपनी आमदनी का 40% वैसे भी गाँव के बच्चों की तरफ लगाती रही है, स्पोर्ट्स मैन की तरफ देती रही है, किट बांटती रही है। तो जो लड़की या बहन अपनी आमदनी का राजनीति में आने से पहले 40% दे रही है तो आने वाले कल में अगर उसे मौका मिले तो मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा कुछ कर पाएगी और उसके साथ जो सरकार की मदद मिलेगी उससे और बेहतर होगा। यहाँ का माहौल देख के आपको लगा कि इनको राजनीति में आके आ जाना चाहिए, लोग जो खुल के समर्थन में आ चुके हैं लोग? तो माहौल आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं कि माहौल अच्छा है। जो लड़की 5 दिन पहले यहाँ आई और 5 दिन के अंदर इस तरह के जन समूह को इकट्ठा कर पा रही है, उतनी बड़ी जीत हो सकती है अगर इन्होंने सही तरीके से अपने पांव रखे और सरकार ने इन्हें ज़रा सी भी मदद की तो मेरे ख्याल से एक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाली लड़की के तौर पे साबित होगी। यानी कि बस वो एक सरकार की चुटकी की देर है, पब्लिक तो अपने आप पीछे लग चुकी है। देखो जी, ये बरवाला है, बरवाला में आज तक हमने किसी पढ़े लिखे को, अपने बंदे को इलेक्शन लड़ते नहीं देखा और आज हमारी बेटी जो इसी गांव में पली बड़ी है अगर वो यहां से इलेक्शन लड़ती है तो इससे बेहतर प्रतिनिधित्व मेरे ख्याल से और कोई कर नहीं पाएगा क्योंकि बाकी सब तो बाहरी हैं। यानी कि सीधा सा सवाल, अभी स्वीटी नहीं तो और कौन? स्वीटी नहीं तो और कौन साबित करे अपने आप को कि भैया मैं इस लायक हूँ? अगर लायक हो तो किसी मुकाम पर हासिल पहुँच के दिखाओ। अब ये पहले से मुकाम पर पहुँची है, इसकी अच्छी भली कमाई हो रही है, इसे यहाँ पर आके कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये आई है तो किसके लिए आई है? ये अपने लोगों के लिए आई है। अगर लोगों के बात समझ में आती है जो यहाँ पर आ रही है वो उनके लिए बेहतर कर पाएगी तो मेरे ख्याल से जिस दिन पब्लिक को समझ में आ गया इनका जीतना सुनिश्चित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी चीज़ जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्वीटी बोरा की छोटी बहन है सीवी बोरा, पूरा साथ रहती है, उनसे बात करेंगे। जी सीवी, आपकी बहन अगर राजनीति में आ रही है, कदम उठाया, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है जो राजनीति में आए जैसे वो हमारा ध्यान रखते हैं ना, छोटी बहन का, छोटे भाई का, वो हम सब कैसे ही ध्यान रखेंगे। पब्लिक जो है पूरा हाथ उठा के पूरा समर्थन कर रही थी, लोग वेट कर रहे कब स्वीटी पूरा राजनीति में आए और हम उनका साथ दे दें। क्या पब्लिक ने पूरा हाथ उठा के समर्थन किया है आज इस बात का कि अगर वो राजनीति में आते हैं तन मन धन से साथ है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सब इतना साथ दे रहे, इतना प्यार दे रहे हैं तो हमें भी मतलब इतना भरोसा, पूरा विश्वास है कि राजनीति में आएंगे और हम सबका विश्वास जीतेंगे। एक बड़ी बहन के नाते उनका व्यवहार कैसा है? बड़ी बहन के नाते वो मान लो जैसे माँ होती है ना, मम्मी पापा, वो मेरे लिए वैसे ही है, उनसे भी बढ़ के है। कोई कुछ भी गलती हो जाए मम्मी पापा डांट लगाते थे लेकिन कभी भी दीदी नहीं लगाते। आपके हिसाब से राजनीति में आ रही हूँ, अच्छा कदम है, इनको आना चाहिए राजनीति में ऐसे लोगों को आगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि वो राजनीति में आए और अच्छे मतलब जो खिलाड़ियों को, जो बुजुर्गों को, जो अपने युवाओं को जो दिक्कतें हैं उनका वो डट के सामना कर सके और उनको वो दिला सके। आज का जो जनसमूह था, लोग जो जुड़े हुए थे बड़े प्रेम से जुड़े, जीत नजदीक लग रही है तो टिकट मिलने की देर है, जीत तो पक्की है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें लग रहा आज इतनी खाप हमारे लिए इकट्ठा हुए स्वीटी दीदी के लिए और इतना प्यार दिया तो हमें जीत तो निश्चित लग रही है। मिली, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सीवी बोरा थी, स्वीटी बोरा से भी बात करते हैं कि उनका जो प्लान है वो किस प्रकार जो है रहने वाला है। आइए, पूरा एक ना महिलाओं का एक दिखी का पूरा पूरा एक जो झुंड है वो इधर से अगर आप देखेंगे ना, सभी के चेहरे जो है वो 100 वाट के बल्ब की तरह जल रहे हैं, खुशी है। खुशी किस बात की पूछेंगे भी, किस बात की खुशी है? जी मैडम जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुकेश राणी है जी।
मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे है ना यूँ स्माइल कर रहे हैं, खुश है। किस बात की खुशी है इतनी? जी इस बात की खुशी है कि जो हमारी बेटी है जो वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सिंग की, बहुत सारे मेडल लेके आई है और पीछे जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है, यानी जैसे कि आपने सुना भी होगा भाषण में बताया था कि ये जो मुक्का है ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग मुक्का है, तो सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है। और आगे हम ये कह रहे हैं कि जो आज हमारी बेटी ने जैसे पूरे देश का नेतृत्व किया है खेल जगत में बॉक्सिंग में, तो आज वो हमारे हल्के का नेतृत्व करना चाहती है और उसके लिए हमारे पास आशीर्वाद देने के लिए आई थी हमारी खाप से, हमारे सर्वजातीय सभी भाइयों बहनों से कि मैं कल को अगर आपका नेतृत्व करती हूँ, आपके हल्के का नेतृत्व करती हूँ, तो क्या आप मेरे साथ हैं, क्या आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे। तो हम इस बात से खुश हैं कि हमारे सभी भाई बहनों ने, सर्वजातीय भाई बहनों ने बिल्कुल खुलकर इनका समर्थन किया है। ये जहाँ भी जाती हैं इनको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है और आज भी बहुत ही अच्छा, ये आपने जैसा देखा है कि सबके चेहरे खिल रहे हैं और सब इस बात को लेकर बहुत ही खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारी बेटी ने जैसे विश्व स्तर पर खेल जगत में पूरे हमारे हिंदुस्तान का नेतृत्व किया है। अगर आज हमें ये सौभाग्य मिलता है कि आज वो हमारे हल्के का राजनीतिक तौर पर नेतृत्व करती है, तो हम जी जान से उनके साथ हैं, तन मन धन से उनके साथ हैं। जिस मुक्के के आगे दुनिया की कोई लड़की, कोई जो अपने आप को ताकतवर मानती तो वो नहीं खड़ी रह पाई, अगर वो राजनीति में आ रही है तो उनके मुक्के आगे कौन खड़ा रहेगा? मेरे ख्याल से तो सारी अभी से जयकारा बोल के होंगे ना। हाँ जी, ये तो क्या कह सकते हैं कि फाइट में कौन आएगा, ये तो हम अभी तो भविष्य बताएगा, ये तो भविष्य में है इसका जवाब तो। हाँ जी, और भी यहाँ लोग जुड़े हैं, इनसे भी देखे माता जी हमारी बेटी को। हाँ, अभी उड़ तो जा रहे थे, टिकट मिलेगी, अभी पहले से जिता दिया आपने तो। जैसी बेटी है हमारी स्वीटी बुरा, हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी यही कहते हैं, जैसे ये नन्ही बच्ची है ना, इनके लिए भी ये एक मिसाल है। मिसाल है, राजनीति में उतर रही है, अच्छा कदम है, बढ़िया मान, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ऐसी ऐसी बेटी सबके घर में पैदा हो एक एक, और ऐसा ऐसा नेता भी हर एक हल्के में होना चाहिए। हाँ जी, सभी घरों में एक ऐसा ऐसी बेटी। आप ये मान रहे हैं राजनीति में आ जाना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, यस जी। आपका नाम मैडम? स्वीटी सर। आपका भी स्वीटी नाम है? एक स्वीटी, एक स्वीटी उधर, एक स्वीटी इधर। मैं उनकी भाभी हूँ, नंद भाभी है। लेकिन आज का जो प्रेम था ना, वो सारे जो हल्के ने जो दिया ना, लोगों ने जो दिया, मैं देख रहा था कि सैकड़ों की या हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए थे। आप मान रहे कि राजनीति में उतर रही है, बड़ा अच्छा कदम है? अच्छा कदम है, जीत पक्की मान रहे हैं? हम हाँ बिल्कुल पक्की मान रहे हैं। तो पहले पहले लड्डू मिल जाती है तो जीत पक्की है। जीत पक्की है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े चक्कर में? जी बिल्कुल जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं थी और इन्होंने जैसा कहा कि राजनीति में जो आ रही है ना, बड़ा अच्छा है, और जैसा उनके मुक्के का बताया कि स्ट्रॉन्ग है, ऐसा ही देख लेते हैं कि वो राजनीति में कैसा जो अपना दमखम वो दिखाती हैं। हरियाणा हमेशा से ही जो खिलाड़ी और राजनेताओं की धरती रहा है, कई ऐसे राजनेता हरियाणा ने दिए हैं कि जिन्होंने पूरे देश के अंदर बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, कई ऐसे खिलाड़ी दिए हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पर पूरे हिंदुस्तान का जो झंडा है वो बुलंद किए हुए हैं। ऐसे ही एक और खिलाड़ी से आज हम मुलाकात आपकी करवा रहे हैं जो राजनेता बनने की तरफ जो है अग्रसर हो चुकी है। हम आपकी आज मुलाकात करवा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की जो प्लेयर हैं, बॉक्सिंग प्लेयर है, जिनके मुक्के की जो है वो बड़ी तारीफ होती है, स्वीटी बोरा जी से। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। जैसे मैंने कहा कि हरियाणा में ना बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो राजनेता बनके बड़ा एक अच्छा करियर कर रहे हैं, आप भी उसी करियर में जा रहे हैं? जी बिल्कुल। कितना एक जो मैं अगर आपको स्टार्टिंग से मैं करूं, एक बिल्कुल एक छोटे से गांव से किसान परिवार से उठ के आप एक इंटरनेशनल लेवल तक आप गए और वहां से अब आप एक राजनेता की एक जो पारी है उसको खेलने की आप तैयारी कर रहे हैं, कैसा रहा ये सफ़र? जी सफ़र में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं और उन अनुभव की वजह से ही मैं अपनी ज़िंदगी की ये दूसरी पारी स्टार्ट करने जा रही हूँ और इसीलिए यहाँ पर हम सभी इकट्ठा हुए थे। आज का जो कार्यक्रम था सरसोद का, बड़ा एक ज़बरदस्त कार्यक्रम था, ढोल नगाड़ों के साथ पगड़ी तक आपको पहनाएंगे, और जब पगड़ी जो है वैसे तो पुरुषों का एक श्रृंगार है, पुरुषों का एक जो कहें कि इज्जत का एक प्रतीक होता है, वो जब एक लड़की के सर के ऊपर रखी गई, कैसी फीलिंग आ रही थी? जी बहुत अच्छी, और ये हमें ये भी दर्शाती है कि अभी लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ भी कर सकती है, ये उन्होंने मुझे जो मान सम्मान देकर ये दिखाया भी है। अब आप जो आपकी जो पारी है, आपने ये सोच लिया कि हमने इस पाले से खेलनी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप खेलने की आप तैयारियां कर रहे हैं? जी मेरे को 4 महीने पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ खास वजह रही होगी भारतीय, क्योंकि पार्टियां तो और भी काफ़ी है।
देखिए, मैं हमेशा जब मैंने ज्वाइन किया था, जब भी मैंने आपको बताया था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिसके जो कार्य प्रणाली है उससे प्रभावित होकर ही मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया था, क्योंकि आप देखिएगा कि जो पहले हमारा 2014 से पहले 2015 से पहले मैं बोलूँगी 15 से पहले हमारे भारत देश की जो विदेशों में जो छवि थी और उसके बाद की जो छवि में जो परिवर्तन हुआ उनकी कार्य प्रणाली की वजह से, उसी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और इसीलिए मैंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया था। ये कहीं इशारा भी हो चुका हुआ कि तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मैंने जब लोगों से बात की तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि स्वीटी नहीं तो और कौन है जो स्वीटी के अलावा इस हल्के से अगुवाई जो कर सकता है, ऐसा कुछ लगा, इशारा हुआ कहीं से? देखिए, ये तो सब पार्टी को देखना और लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है मेरे प्रति। मैं तो एक कार्यकर्ता की तरह अभी काम कर रही हूँ पार्टी की तरफ से। जी, जो सरसोद है वो आपका ननिहाल है जी। वो जब बच्चे होते हैं तो बड़ा एक जो चाव रहता है कि भाई आज नाना के घर जाना है, मामा के घर जाना है। आज आप आए, इस प्रकार का जो आपका जो स्वागत हुआ, कैसी फीलिंग कैसी आई? फीलिंग बहुत अच्छी थी। देखिए, आपका घर आते हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, घर के साथ में इतना अच्छा वेलकम हो जाता है तो और ज़्यादा खुशी होती है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं बहुत हर्षित हूँ जो ये हमारा प्रोग्राम हुआ उसको देखकर। आप जिस हल्के से, बरवाल हल्के से आप तैयारियाँ कर रहे हैं, बरवाल हल्के से कई ऐसे प्लेयर हैं सुरेंद्र पूनिया जैसे जो मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, कैसे सामना करेंगे आप उनका? देखिए, उनसे मेरा क्या ही मुकाबला है, वो तो मेरे बड़े हैं। वो भी टिकट मांग रहे हैं। ठीक है, अगर वो टिकट मांग रहे हैं, वो हैं तो हम उनके साथ में ही हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में अभी काम कर रही हूं, जो भी बीजेपी के साथ में है मैं भी बीजेपी के साथ में ही हूं। बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता होगा हम उनके साथ में, अगर वो पार्टी का डिसीजन है जो जिसको अगर वो खड़ा करेंगे, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता उनके साथ होंगे। अभी जो हम लोकसभा चुनाव अभी जो बिल्कुल अभी कुछ ही दिन पहले जो है संपन्न हुए हैं, 10 में से 5 सीटों पर जो है बीजेपी सिमट गई, आपने वो बैकग्राउंड नहीं चेक किया कि कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी का जो जनाधार है कहीं ना कहीं डावाडोल तो नहीं हो रहा? क्या बोला आपने मेरे को? 10 में से 5 सीटों पे बीजेपी जो है सिमट गई लोकसभा चुनाव में। जी जी। 10 सीटें लोकसभा की थी जिनमें से 5 कांग्रेस के हिस्से आई, 5 बीजेपी के हिस्से आया, फिर भी आपने बीजेपी का दामन थाम लिया। देखिए, मैंने बोला कि हवाएं चाहे कैसे किसी भी तरफ की होती हो, लेकिन मैं हमेशा वहाँ खड़ी रहूँगी जहाँ मेरे देश हित की बात होगी। तो मैं हवाओं को या माहौल को देखकर बदलने वालों में से नहीं हूँ। मैं हमेशा हमारे देश के हित में जो कार्य होंगे उसकी तरफ होंगी, चाहे मैं पूरा देश एक साइड होगा और अकेली मैं एक साइड होगी, मेरे देश हित की बात होगी तो मैं अकेली एक साइड भी खड़ी हो सकती हूँ। दूसरी पार्टियों को ये मान रही कि उन्होंने देश हित की बातें नहीं की, देश हित की सिर्फ बीजेपी ने बातें की है? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही, मैंने बताया है कि आपको जो हमारे काम हर कोई करता है आता है जब, लेकिन जो जितने कम टाइम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है वो तो आप इंटरनेशनल लेवल पर देख ही सकते हैं, तो उनसे मैं ज़्यादा प्रभावित हुई इसलिए ही मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन। वैसे तो हर कोई जब आपके हाथ में वो ओहदा होता है, आपके पास वो कुर्सी होती है, तो हर कोई काम करता है, तो मैं उनसे प्रभावित हुई इसलिए मैंने उनको मतलब चूज किया। आप बिल्कुल एक किसान परिवार से आप जुड़ी हुई हैं, किसानों के बीच में भी आपका जो बचपन वो बीता है, लेकिन अभी के जो हालात हैं वो आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही समय था ये बीजेपी में जाने का? क्योंकि अभी आप चुनाव की तैयारियां भी आप कर रहे हैं, उधर से जो किसान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से रुष्ट लग रहे हैं, कैसे मनाएंगे आप इनको? देखिए, समय सही कभी नहीं होता, समय सभी सही बनाना पड़ता है। और बात अगर किसानों की और उनकी बात करते हैं तो मैं किसानों की बेटी हूँ, मैं खुद किसान की बेटी हूँ, और सब मतलब मुझे आपने देखा होगा कि ये पूरा किसानों का एक एरिया है, तो आपने देखा होगा अगर अपनी बेटी से कोई नाराज़ नहीं है। और जहाँ बात मैंने आपको बताया कि हवा की और टाइम की समय की नहीं होती है, बात होती है आपके नेक इरादों की। अगर आपके अच्छे इरादे हैं तो ईश्वर ऐसी चीज़ें करता है कि सब लोग, अगर आपके इरादे नेक हैं तो सब लोग साथ आएंगे। क्योंकि देखो, मेरे को सब लोग यहाँ बचपन से जानते हैं, इसीलिए सब लोग किसी चीज़ को ना देखकर वो अपनी बेटी को देख रहे हैं। जी, इनके एक वो डायलॉग भी आपने याद दिलवा दिया कि किसी चीज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तो उसको मिलाने के लिए कवायद में जुट जाती है। स्वीटी पूरा आप जो डायरेक्ट जो है वो टिकट चाह रही है, मानते हैं आप इस बात को? देखिए, मैंने बताया कि बिल्कुल हम कार्यकर्ता हैं और कार्य कर रहे हैं, अगर पार्टी को ऐसा लगे कि हम जीत सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, काम करने के लायक है तो जरूर। आप जो है पूरी तरह तैयार मानते हैं अपने आप को चुनाव के लिए?
जी हम तैयार हैं बिल्कुल। आप वैसे वो पार्टी का डिसीजन होगा, जो चीज़ें होंगी पार्टी तभी डिसीजन लेती है जब जो खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार हो ना, तभी उसको आगे भेजा जाता है कि आप टीम का प्रतिनिधित्व कीजिए। देखिए बिल्कुल खिलाड़ी तो देखिए हमने जब ज्वाइन की थी आप देखोगे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं बिल्कुल ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं उन लोगों को, तो हम सेकंड के भी कई सौवें हिस्से में जो है वो डिसीजन लेना पड़ता है ना। जी 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 बिल्कुल, आप देखोगे कि हम बॉक्सिंग में बिल्कुल जो सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, बिल्कुल जो सौवां हिस्सा सेकंड का जो हम बोल सकते हैं उस टाइम में भी आपको जब पंच आ रहा है इतना स्पीड से तो उसको मिस करके क्या पंच मारना है, साथ में वो दिमाग यूज करके आपको लैंड भी करना पड़ता है। जी तो अभी जो है वो अपने बीजेपी के लिए आपने पूरी की पूरी जो तैयारियां कर ली, हल्के लेके के लिए तैयार है, कोई अपने कोई विज़न भी लेके चल रहे हैं कि हल्के में ये चीज़ की कमी लग रही है मुझे, ये चीज़ मैं जो है अगर मैं मेरे हाथ में अगर बागडोर आती है तो ये चीज़ मैं आके लेके चलूँगा। देखिए सबसे पहले मैंने शुरुआत खेल को लेकर की थी, मैंने बताया कि ग्राउंड लेवल से बच्चे दम तोड़ देते हैं, उनके पास प्रतिभा होती है लेकिन किसी के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, उनकी कमी की वजह से रह जाते हैं, बहुत सारे जो ग्राउंड लेवल पर काम करने हैं हमें उनकी वजह से वो रह जाते हैं। तो मैंने स्टार्ट इससे किया था और भी काफ़ी हल्के में बहुत सारी चीज़ें अगर मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो मुझे एक घंटा से ज़्यादा लग जाएगा, तो काम तो बहुत सारे हैं लड़कियों के। आप देखोगे कि लड़कियाँ इतना अपने फील्ड में, अपने जो बरवाला एरिया में पहले जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम फिर भी ठीक खेलती थी, अब लड़कियाँ इतना खेल नहीं खेल रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश की जितनी जनसंख्या उसका आधा हिस्सा तो हमारी लड़कियाँ ही हैं, अगर हम लड़कियों का जो हम अगर हमें विकसित भारत बनाना है, मैं विकसित भारत बनाने की बात कर रही हूँ, अगर भारत को हमें ऊपर उठाना है तो 50% हिस्सा पुरुषों का तो ऊपर है ही, तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारी महिलाएं हैं मैं उनको ऊपर उठाने के लिए भी काम करना चाहती हूँ। जब हमारा ये 50% मिलकर 100% हो जाएगा जब ही हम एक विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। स्वीटीपुरा अपने आपको किन की आवाज़ मानती है, खिलाड़ियों की मानती है, किसानों की मानती है, बेरोजगारों की मानती है, युवाओं की मानती है, किसकी आवाज़ बुलंद कहें तो किसकी आवाज़ मानती है अपने आपको? देखिए किसानों की मैं बिल्कुल हूँ क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, खिलाड़ियों की भी मैं बिल्कुल हूँ क्योंकि मैं खिलाड़ी रह चुकी हूँ, और गरीब और मजदूर की मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने वो समय देखा है कि जब आपके पास खाने के लिए जब रोटी तक नहीं होती तो आपको कैसा महसूस होता है, इसीलिए मैं इस फील्ड में आई हूँ कि मैं उन लोगों की आवाज़ बन सकूँ। आपका जो स्लोगन था कि गेम ओन नशा गोन, मानते हैं कि जो नशा है वो कहीं ना कहीं पूरी एक बड़ी एक समस्या के रूप में जो है उभर रहा है, उसके प्रति भी आपको कुछ कोई आपने कोई आगे का प्लान कुछ बनाया है? देखिए बिल्कुल नशा आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, स्पोर्ट्स भी अछूता नहीं है, इसी से स्पोर्ट्स में भी आ चुका है। बिल्कुल स्पोर्ट्स में भी आ चुका है लेकिन स्पोर्ट्स में इतना नहीं है जितना ज़्यादा वैसे ज़्यादा है, अगर स्पोर्ट्स से बच्चा जुड़ा रहता है तो आप ये बोल सकते हो उसमें 1% बोल सकते हो, स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो अपने फिजिकल वर्कआउट को इतना टाइम दे देते तो उनके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं रहता है, तो और स्पोर्ट्स अगर फिजिकल वर्कआउट आप करते हो तो वो आप लत से मतलब आपका माइंड हट जाता है तो वो टाइम उसमें चला जाता है, तो आप नशे के बारे में ना सोचकर जो वर्कआउट के बारे में सोचते हो और वर्कआउट के बाद थककर आप सो जाते हो, तो जो टाइम आप नशे में गुजारते थे वो टाइम अगर आप जिम में आप ग्राउंड पे गुजारते हो तो उससे मतलब टाइम निकल जाता है और दिमाग में नशे की लत की जो बार बार यादें आती है वो यादें भी नहीं आती हैं। यादों का पता नहीं जी, जो आज जो सरसोद के आसपास के लोगों के दिमाग में जो आज बैठ चुका है ना कि कहीं की स्वीटी पूरा जो है एक से तो मैंने बात की, उन्होंने कहा कि ये तो पूरे इंडिया में कहीं से खड़ी हो जाए वहीं से जीत जाएंगी, इतना इनमें मादा है, मानते हैं ना आप अपने? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने सिर्फ एक जगह को रिप्रेजेंट नहीं किया है, मैं अपने पूरे भारत देश को रिप्रेजेंट किया है और पूरे भारत देश में आप सबका मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, मैं ये माता रानी की कृपा और आप सबका प्यार ही मानती हूँ कि हर जगह से लोग और हर जाति हर धर्म के लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं भी ये चीज़ें नहीं मानती हूँ क्योंकि पूरे भारत में जितनी भी जाति जितने भी धर्म हैं वो सब मेरे लिए प्रे करते हैं जब मैं इंडिया के लिए खेलती हूँ, वो सब पूरा जब मैं वर्ल्ड हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी उसमें हर तरह के लोग थे जो मेरे लिए मेरे को मोटिवेट कर रहे थे, मेरे को चीयर अप कर रहे थे, तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं उनके साथ खड़ी रहूं और उनके बारे में सोचूं, इसलिए मेरा पहला धर्म तो मैं इंसानियत मानती हूं और इसीलिए मैं कोई जगह और कोई मतलब स्पेसिफिक कास्ट और ये चीज़ें ना देखकर मैं सिर्फ अपने धर्म को देखती हूँ, इंसानियत धर्म को। पूरे हिंदुस्तान में से हरियाणा
आया हरियाणा में से, अब आपने सिर्फ एक बरवाला हल्का जो चुना है, क्योंकि जो आपका जो घिराया जो गांव है वो हांसी के अंडर आता है, बरवाला हल्का चुना है, यहाँ के आपने जो जितने भी प्रतिद्वंदी उनको आपने मुक्का दिखा दिया है कि आप जो स्वीटीपुरा है मैदान में आ चुका है जी, अपनी अपनी जो पेटियाँ हैं कमर जो है वो कस लीजिए, तैयार हो चुकी हैं स्वीटीपुरा। देखिए मैंने पहले भी बताया है कि हांसी में मेरा गांव ज़रूर आता है, आपको पता है पहले मेरा गांव घिराए हल्का होता था, उसके सारे हमारे जो गांव हैं आधे बरवाला हल्का में ही है, और मैं आपको बता दूं कि मैं सरसोद गांव में ही पढ़ी हूँ, सरसोद बीचपड़ी जोरा का कॉमन स्कूल है, मेरा पूरा सर्कल भी यहीं का है, और ये तो चीज़ आपने देख ही ली होगी कि अपने आस पास के गाँवों से क्या माहौल था, क्योंकि यहाँ से ही मेरा पूरा सर्कल है, मेरा ननिहाल है, और 12 गाँव अगर मेरे मामा के जागलान और के पढ़ते हैं, और जिसमें से हम 7 से 8 गांव हमारे बुरा खाप के पढ़ते हैं, तो हमारे 22 गांव के करीब मानिए कि जो हमारे इसमें मेरे बिल्कुल अपने हैं जो वो पढ़ते हैं, तो मैं क्यों अदर किसी हलके में जाऊं, और मैं अपने आप को किसी हलके में बाउंड भी नहीं करना चाहती हूं, मैं एक हमेशा अपने देश के लिए खेली हूं, और मैं ये चाहती हूं कि जहां से मैं पढ़ी हूं, जहां से मेरा सर्कल है, तो मैं उन लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, इसलिए मैंने यहां से सोच किया। चलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, कि जो आप जो टिकट की आप जो एक नई एक अलग जो पारी आप राजनीति की खेलने जा रही हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, हल्के ने तो सारी आज शुभकामनाएं आपके गले में जो है वो और सर के ऊपर पगड़ी के रूप में आज डाल दी हैं जी। थैंक यू, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सबकी कि किसी ने कुछ नहीं देखा, बस अपनी बेटी को देखा, और आपकी इस बेटी के ऊपर जो आपने विश्वास जो दिखाया है, तो आपकी बेटी कभी भी किसी के विश्वास को डगमगाने नहीं देगी, ऐसे ही अपना आशीर्वाद अपनी बेटी के ऊपर बनाए रखिए। जय माता दी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे आप मेडल के लिए लड़ते थे पूरा देश आपके लिए दुआएं करता था, टिकट के लिए लड़ेंगे तो पूरा हल्का क्या पूरा हरियाणा आपके लिए दुआएं करें, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीटीपुरा हमारे साथ जुड़ी थी, और जैसा कहा गया कि हमारी छोरियां छोरों से जो है वो कम नहीं है, और अपना जो एक इंटरनेशनल लेवल पे मुक्के का जो जोर दिखाने के बाद बरवाला हल्के में आ चुका है, पार्टी जो है वो कितनी जो है इनके ऊपर नज़र डालती है, कितना एक जो टिकट के लिए इनको अपना जो दावेदार मानती है, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप अपनी जो राय हमें कमेंट में बताइए। मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।